ये मेरी मूली 30 दिन में बिल्कुल तैयार हो गई है। आज मूली की हार्वेस्टिंग करेंगे और आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। फ्रेंड, मैंने आप लोग को बताया था कि मूली जब भी लगाइएगा फ्रेंड, गैप कर करके लगाइएगा, नहीं एक साथ मूलियाँ सब तैयार हो जाएंगी। तो फ्रेंड, कोई खाए या ना खाए, अगर मूलियाँ मैच्योर हो गई, तैयार हो गई, तो आपको उखाड़ना ही पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। अपने वीडियो पर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड, मेरी वीडियो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड, मेरी ये मूली 30 दिन में तैयार हुई है और 30 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। मैंने हर बार आप लोग को वीडियो बना के दिखाया है। फ्रेंड, मैंने ये भी बताया कि मूलियों को एक साथ ही मत लगाइएगा, नहीं तो एक साथ सब मूलियाँ तैयार हो जाएंगी तो खाना मुश्किल हो जाएगा और मूलियाँ भी ख़राब हो जाएंगी। समय से इनको उखाड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड, देख सकते हैं मूली कितनी हेल्दी हो गई है और कितनी अच्छी हो गई है। फ्रेंड, जो अपने किचन वेस्ट में हम लगाते हैं, जिसमें मैंने तो कोई खाद डाला ही नहीं फ्रेंड, थोड़ा सा गोबर का खाद और जो किचन वेस्ट से मैंने खाद बनाया था उसी में ही ग्रो किया था। देख सकते हैं मूली कितनी अच्छे से ग्रो हुई है और कम से कम मिट्टी में ग्रो हुई है और छोटे से पॉट में भी ये मूली बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। क्योंकि मूलियाँ जो होती है आधी बाहर को आकर के निकल जाती हैं और आधे से भी कम अंदर रहती है। तो आप देख सकते हैं कितना कम ये मूली अंदर है और ऊपर के हिस्से में कितना ज़्यादा है और कितने बड़े साइज़ की मूली भी हो रही है। फ्रेंड, ये 30 दिन में मैंने उखाड़ दिया। अगर और दिन रखते तो थोड़ी और मोटी और हो सकता है थोड़ी और साइज़ बड़ी होती। लेकिन फ्रेंड, मूली समय से ही उखाड़ लेंगे और खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोई खाए या ना खाए, लेकिन मूली उखाड़िए। आप इसको उखाड़ेंगे तो एक जगह भी बनेगी और दूसरा पौधा आप लगा सकते हैं। तो मैंने जितने भी मूली के पौधे ऐसे ही लगाए फ्रेंड, कम से कम 10 दिन 5 दिन का अंतराल में थोड़े थोड़े बीज डाल के लगाएंगे तो मूली आप काफ़ी लंबे समय तक खा सकते हैं। और नहीं तो मूलियाँ बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगी और बहुत जल्दी उखाड़ देना होगा गार्डन से और फिर आपको मूली फिर से लगाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा उनको ग्रो होने में और फिर उनको खाने में आपको गैपिंग हो जाएगी। तो कुछ सब्जियों को आप निकालिए और लगाइए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। मूली भी है, लहसुन के पत्तियाँ अगर आपको खाना हो तो उनको ये साथ भी ऐसे ही कर सकते हैं फ्रेंड। इसी तरह फ्रेंड, पालक है, धनिया है और मेथी है, सोवा है, इन सबों को भी आप लगा करके गैपिंग कर करके उखाड़ करके आप इसको खा सकते हैं। फ्रेंड, अगर किचन गार्डनिंग करते हैं तो कोशिश करिए कि फ्रिज में आपको रखने की कोई सब्जी ज़रूरत ना पड़े। जो भी लगाइए उतना लगाइए कि आप उसको निकालिए और उसको खाइए, उसी हिसाब से आप अपने गार्डन को मेंटेन करिएगा। नहीं तो फ्रिज में अगर रख देते हैं तो जो भी पौष्टिक तत्व इनके नष्ट हो जाएंगे वो हमारे किसी फायदे लायक नहीं रहेंगे। तो आप यही कोशिश करिएगा, गार्डन से निकालिए उसी दिन जिस दिन आपको खाना हो, तो आपको ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और आपको बिना केमिकल वाला सामान भी खाने को मिल जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, यही सब जानकारी मैं अपनी वीडियो में देती रहती हूँ।